जब वो अंजना और पवन 11 साल में मिले दुहा की महल के अंदर, और उस मिलन के बाद समय बीतता चला जाता है। जिस महल में दासी थी उस दासी ने देखा समय बिचारा और जाकर के पवन की माता को कह दिया कि हे रानी साहिबा ऐसे ऐसे बात। रानी भाई साहिबा ने देखा कि ऐसे बात कैसी हो सकती है भाई, इतने साल हो गए पवन, 12 साल 11 साल हो गए, जब आज तक ये बात नहीं तो अब कैसे होगी एकदम से। तो दुहागी महल में जाती है पवन की माता और उस अंजना ते तन्ने देने लगी, अरनु कहने लगी तने हमारे राजपाट के हमारे सारे खानदान के बट्टा लगा दिया, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहती। और एक बात की रागिनी के माध्यम से कैसे क्या बता वाला माध्यम से आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मेरे भाई प्रदीप कुमार जी 100 रुपए से पार्टियों का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हेड़ी खुमार के रहने वाले हमारे बहुत आदरणीय समाज गुरु महेंद्र प्रिंसिपल साहब महेंद्र सिंह जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। यहाँ इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, उन कलाकार के तो पाए के धूल के समान भी नहीं है, लेकिन जैसा भी गाना बजाना भाइयों के सहयोग से सत्संग से सीखा है उन्हीं बातों को दोहराने की कोशिश करेंगे। कोई गलती हो जाए अपना बच्चा अपना भाई समझ कर माफ करना। और यहाँ हरियाणा की शान, इस क्षेत्र की शान भाई विकास शर्मा पासोर बहुत अच्छे कलाकार आज हरियाणा के, और भाई मोनिकार का तो तोड़ ही नहीं है कुछ। मास्टर जी आप भी बहुत बड़े कलाकार हो, मास्टर सुरेश अडोली से यूपी से आए हैं बहुत दूर से, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई साहब का, बहुत पहुंचे हुए कलाकार हैं मास्टर जी, देखना रंग बरसाओगे। अरे भाई यो तो असली रंग काट जुड़ गया, पहले ही जुड़वा दिया तुमने, क्योंकि एकदम बिल्कुल नया रंग है, बस कोशिश करके देखेंगे जब पार पड़ी थे। हमारी बात किस समय की कि जिस समय उस चाप सिंह को फांसी का ऑर्डर हो जाता है, उससे पूछा गया कि भाई आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है कि बादशाह सलामत अपनी कर्म भूमि को अपनी जन्म भूमि को आखिरी बार प्रणाम करना चाहता। चाप सिंह अपने गांव पहुंचा, इधर सोमवती को जब बेरा पटा तो आरती का थाल सजा के खड़ी हो जाती है। चाप सिंह ने थाल में ठोककर मार दी, न्यू क्या ला कर बेईमान किसका अर्थ तक रहे और कैसे एक बात के द्वारा के कह दिया भला क्या बता। Hi!
बहुत ही आदरणीय स्वर्गीय श्री जाट मेहर सिंह कमेटी बरोना से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। श्री हमारे बहुत ही आदरणीय श्री कुलदीप सिंह जी आज के संचालन करता 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। श्री भगवान जी जहांगीरपुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई रोहतास डीपी जहांगीरपुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। श्री सरजीत सिंह गुड़िया जिलाध्यक्ष जहांगीरपुर से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ओ तेरे दर्द से दिल क्या है आन देने भी दिखे छे यो खोट तो के कहन लगी दूसरी बात में क्या बताया बना खोट अच्छे ए संद का संद की दिखे से तेरे खोट नकड़े लगो ले ओड पवाड़ा कर बैठी तने कड़े कड़े तरोलू हे ना दुनिया में जतन ईसा तेरे पाप दाग ने धोलू हे घड़ी एक घड़ी का कैसे सहारा मैं भी भूंडी हो जू हे खून बिराना से यहीं से गुलिया फैमिली ढाबा दोनों पार्टियों और 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं और 100 रुपये हमारे बाबा जी के भाई स्टेज पर बैठे हैं दादा जगन्नाथ के पोते भाई अमित बाबा जी जी मान लाग रही है भाई बैठे बैठे हाँ बैठा बैठा तो कहा तो सो दे 100 रुपए भाई अमित के बहुत बहुत धन्यवाद है। रस्ते के मलाग गई रस्ते के मलाग
आकाश जी, दिल्ली पुलिस, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे कंपनी म्यूजिक सेंटर, राजेश मोर साहब,
मोर कैसेट कंपनी के मालिक, जो आपकी ये प्रोग्राम अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो फिल्म बनने लग रही इसकी, ये दो चार दिन के बाद में यूट्यूब पे आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे मोर साहब जी 500 रुपए से पार्टियों का मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आदरणीय मोर म्यूजिक कंपनी राजेश मोर जी, कंपनी के मालिक, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। कदर दानिया कुर्बान तुझ पे मेरी।